हेलो दोस्तों, मैं अजय शास्त्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय होगा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप शादीशुदा औरत को पटा सकते हैं या शादीशुदा औरत को पटाने का तरीका। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारी इफ़ेक्टिव टिप्स लेकर आए हैं जिसको यूज़ करके आप किसी भी शादीशुदा औरत को पटा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जवान लड़के आजकल शादीशुदा औरत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, क्योंकि शादी के बाद औरतें और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लड़कों में से हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं किसी शादीशुदा औरत को पटाने में, तो हमारी इस वीडियो को देखें क्योंकि हम आपको देंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स जिसको यूज़ करके आप किसी भी शादीशुदा औरत को पटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि वो शादीशुदा औरत आपसे पट भी सकती है या नहीं, ये आप जान सकते हैं हम, क्योंकि आपको बताएंगे वो कैसे, वो उस औरत का रिश्ता अपने पति के साथ अच्छा है या नहीं। अगर उस औरत का रिश्ता अपने पति के साथ अच्छा नहीं है तो आप उसको पटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो में दिए गए कमेंट बॉक्स पर नीचे, वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करें उस लेडी का नाम, उसके हस्बैंड का नाम और उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ। उससे हम आपको बता सकेंगे कि उन दोनों का रिश्ता कैसा है। अगर उन दोनों के रिश्तों में अनबन है, वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, तो आप उसे पटा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हैं वो इफ़ेक्टिव टिप्स, अब हम उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शादीशुदा औरत को पटाते समय सबसे पहले आपने औरत पर लाइन मारने स्टार्ट करनी है। शादीशुदा औरतों पर जब आप लाइन मारोगे तब शादीशुदा औरत आपके तरफ ध्यान नहीं देगी, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी औरत पराए मर्द को जल्द से जल्द रिस्पांस नहीं देती है। दोस्तों, अगर आपकी भी लवर आपको पहले रिस्पांस नहीं देती है तो आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने आपका काम जारी रखना है, आपने हर रोज़ उस औरत के घर के सामने आकर उस पर लाइन मारनी है। शादीशुदा औरतों पर जब लाइन मारोगे तब औरत को धीरे धीरे समझने लगेगा कि आप हर रोज़ उसके घर के सामने आकर उस पर लाइन मारते हो। दोस्तों, जब शादीशुदा औरत को समझ आ जाएगा कि आप उस पर लाइन मार रहे हो, तब शादीशुदा औरत आपको थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देने लग जाएगी। कई बार लड़कों को लगता है कि आंटी जल्द से जल्द रिस्पांस नहीं देती हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आंटी को हमेशा लगता है कि आपको रिस्पांस दे, लेकिन आंटी को अपने पति को संभल कर आपको पटाना होता है, जिसके कारण आंटी आपको तुरंत रिस्पांस नहीं देती है। अगर आप 10 से 14 दिन कंटिन्यूसली आंटी के घर के सामने हर रोज़ जाओगे तो धीरे धीरे आंटी भी आपके पास आने लग जाएगी, आपको देखने लग जाएगी। 10 से 14 दिनों के बाद आंटी खुद ही आपकी राह देखेगी, क्योंकि आंटी को आपकी आदत हो चुकी होगी, आपको देखने की आदत हो चुकी होगी। आंटी को देखते समय आपने हमेशा आंटी की तरफ ऐसे नज़रों से देखना है जिससे आंटी को महसूस हो, फील हो कि आप उस पर मर मिटे हो, आप उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा करते करते आंटी भी आपसे प्यार करने लगेगी। दोस्तों, और जितनी हो सके अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले जिससे आप उनकी हेल्प कर सके, जैसे कि वो सब्जियां ला रही हैं बाज़ार से और आप उनकी सब्जियां पकड़ने में उनकी हेल्प करें, या कुछ भी ऐसे जिससे आप उनकी केयर कर सको, उनकी हेल्प कर सको, तो आप इन तरीकों को अवश्य करें। तो दोस्तों, हम आप इन तरीकों को अपनाकर किसी भी शादीशुदा औरत को पटा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।